कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, तो फिर क्या था, मैं भी बैठ गया आदि पुरुष की टीजर के इंतजार में कि चलो कुछ तो जबरदस्त देखने को मिलेगा। और फिर क्या था, इतने बड़े और लंबे इंतजार के बाद फुर्सत से इसका टीजर आता है और सच कहूं तो इसको देखने के बाद मेरा दिमाग पूरा 360 डिग्री गोल घूम गया। मतलब कि भाई वो क्या रामायण थी और उसको फिल्म मेकर्स ने क्या बना दिया। मतलब कि देखो ना, तुम्हारी रामायण में श्री राम जैसे राम लगते हैं, ना लंकेश रावण जैसा रावण लगता है और ना ही बानर सेना जैसी बानर सेना लगती है। मतलब कि इसको तुमने पूरा ही चेंज कर दिया। देखो मैं इसको हेट तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इससे डिसअपॉइंट हूँ, वो भी इसके कैरेक्टर लुक और कॉस्ट्यूम को लेकर। और टीजर के VFX और CGI की बात तो मैं बाद में करूंगा, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर के लुक्स और कॉस्ट्यूम की। मतलब कि ये कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गया। जिसमें कि पहले नंबर पे आते हैं अपने भगवान श्री राम के कैरेक्टर में प्रभास, जिनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं। नहीं, मतलब कि पहले तुम इन एक्टर्स को देखो जिन्होंने कि पहले भगवान श्री राम के कैरेक्टर को प्ले किया है, और इनको देखकर तुम यही कहोगे कि यही भगवान श्री राम है। और बात अगर मॉडर्न लुक की चली रही है तो तुम RRR मूवी में रामचरण को राम अवतार में देख ही सकते हो। उनके चेहरे पे भी ज्यादा एक्सप्रेशन और तेज दिख जाएगा, जो कि प्रभास के चेहरे पे कहीं ना कहीं गायब है। और एक मिनट के लिए चलो तुम प्रभास के फेस एक्सप्रेशन और CGI VFX वाले सिक्स पैक एप्स को साइड में रख दो, तो फिर भी इनके कॉस्ट्यूम को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये मूवी वाल्मीकि की रामायण पर बेस्ड होने वाली है। जिसमें इस सीन में भगवान श्री राम के पैरों में वो लकड़ी के खड़ाऊ ना होकर वो लेदर के या फिर पता नहीं किस चीज के जूते पहना दिए, और इसके अलावा उनके भगवा कपड़ों की जगह उनको सफेद पजामी पहना दी। माना कि डायरेक्टर सर तुमने तानाजी जैसी सुपर डुपर मूवी दी है, लेकिन ये कोई तानाजी से आया कोई वॉरियर तो है नहीं जो कि जूती और सफेद पजामी पहनता हो। वो तो 7000 पहले के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जो कि वनवास में रहते थे और भगवा वस्त्र पहनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो कोई ऐसे कपड़े पहनकर और जूते पहनकर नहीं घूमा करते थे। और दूसरा कैरेक्टर लंकेश का, मतलब कि रावण के पास ऐसी कौन सी शक्ति या फिर कौन सा ट्रेमर आ गया था जो कि वो इतना मॉडर्न हो गया था और उसको साइड से कट्स निकालने लगा था और सामने से बालों में स्पाइक रखने लगा था। और इसके अलावा रावण के पास जो सोने की लंका थी जो कि प्योर गोल्ड से बनी थी, जो कि पीली हो सकती थी, लेकिन ये इतनी डार्क और काली कब से हो गई? क्या मतलब डायरेक्टर के हिसाब से वो ज्यादा धूप में पड़ी थी इसलिए वो काली हो गई? और लंकेश का पुष्पक विमान कहां गया, उसको कोई जादू ले गया क्या, जिसके कारण अब रावण को मजबूरन इस चंगादड़ जैसे प्राणी पर बैठकर घूमना पड़ रहा है? और अब तीसरी चीज जो इस टीजर की जो सबसे वीक और नेगेटिव पॉइंट लगा वो है इसका VFX और CGI। नहीं मतलब कि सच बताओ कि ये क्या है, ये 500 करोड़ के बजट में बनी हुई एक फिल्म है जिसमें कि तुमने पूरे 250 करोड़ VFX और CGI पे खर्च किए हैं। लगता है डायरेक्टर सर तुमको कोई VFX और CGI के नाम पर चूना लगा दिया। नहीं मतलब कि सच बता रहा हूँ कि ये आदि पुरुष का टीजर कम लगा और हाल ही में रिलीज हुई लेजेंड ऑफ हनुमान का 3rd सीजन ज्यादा लग रहा है। और सच बताना कि ये तुमको किस एंगल से बानर सेना और असुर सेना लग रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई कार्टून नेटवर्क पर कोई एनिमेशन वाली वीडियो चल रही है। मतलब कि हद ही हो गई यार। और जब तुमने हनुमान जी को बानर सेना से अलग बनाया ही था तो इन बानर और असुर कैरेक्टर को भी रियल इंसान से रिप्लेस कर देते तो क्या चला जाता? कम से कम जो बैटल देखने में मजा आता वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती, ये कार्टून वाली फिल्म देखने में क्या ही मजा आएगा। और मजाक से हटके अगर सच बोलूं तो इस टीजर में जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है इसका BGM, और शरद केलकर सर की वॉइस में जो दमदार डायलॉग दिए गए हैं वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल लगते हैं। और सीता के कैरेक्टर में जो कृति सनोन है वो तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन टीजर के अंदर जो डायरेक्टर सर का VFX और CGI को लेकर जो मजाक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर ये तो टीजर है, ट्रेलर आना भी बाकी है और मूवी आने में अभी काफी ज्यादा टाइम है, तो हो सकता है कि अब इसके CGI और VFX पर काम चल रहा। तो अब तुम बताओ कि तुमको आदि पुरुष का टीजर कैसा लगा और इसके बारे में क्या थॉट्स है तुम्हारे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो वो भी बताना। और ऐसी वीडियो आती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक।